नमस्कार दोस्तों, उम्मीद सीरियल का आने वाले एपिसोड में जब आप लोग देख पाएंगे कि सुमित का रिश्ता तय हो जाता है रौनक के साथ में, और शगुन की यही प्लान थी कि किसी तरीके से अपने बेटे रौनक की शादी जो कि इस समय मीत हुड्डा की बेटी यानी कि सुमित से कराई जाए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मासूम बोलती हुई नजर आने वाली है सुमित के भाई राज से, कि जो कि वैसे भी क्रश था ना आखिरकार सुमित, जिसको आवाज़ से इतना प्यार था वो ही सुमित की लाइफ में आ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है सुमित के खिलाफ। जी हाँ, हालांकि दोस्तों सुमित के भाई को पता भी नहीं है इस भनक की कि इसमें मासूम और शगुन मिलकर मेरी बहन को बलि का बकरा बना रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब सुमित की जो डोर बनने जा रही है वो किसी और के हाथ नहीं बल्कि रौनक के साथ बनने जा रही है, और रौनक एक ऐसा बिगड़ा हुआ और ऐसा वाहियत लड़का है कि जो अपने पैसे के दम पर हमेशा से ही राज करता हुआ नजर आया है, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो नई तरकीब क्या निकालता है तड़पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उसका ये तो कन्फर्म है कि वो मीत हुड्डा को तड़पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहे, मीत हुड्डा की बेटी सुमित को तड़पाने के लिए कैसे भी तैयार रहने वाला है। आप लोग जानते हैं कि राज जो कि अभी तक उसे पता नहीं है, लेकिन जब राज को पता चलेगा कि ये सब कुछ साजिश हो रही है, जिसके बाद में मासूम को अभी पता नहीं लगने वाला है वो उसके साथ में क्या करेगा, और शगुन का तो कुछ बोलो ही मत ना, क्योंकि दोस्तों राज जितना प्यार अपनी बहन सुमित से करता है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि सुमित मेरी बहन नहीं बल्कि एक बेटी की तरह है, और अगर उसको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसका रिलेशन में क्या लगता हूं, क्योंकि मैं फिर आर और पार की लड़ाई लड़ना भी जानता हूं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू।